हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियरिंग साइट लर्नर्स पर। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो रिसेंटली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, इंडिया में, यूई में और फॉरेन में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन। मैंने भी कुछ कंपनियों में इंटरव्यू दिया था और कुछ मेरे फ्रेंडों दोस्तों से भी पूछे गए हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ नया टॉपिक, टॉप 10 रिसेंटली आस्क क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया एंड यूई। यू मस्ट लर्न दिस क्वेश्चन। मेरा चैनल है इंजीनियर s.k.khan से। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, और मैं अब हर वीक मैं एक एक वीडियो अपलोड करूँगा और करता रहूँगा, जिससे आप लोगों को एक अच्छी सी नॉलेज मिलती रहेगी। साइट पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस बेस पे मैं वीडियोस बनाऊँगा, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की डेट में उस सब पे मैं टॉपिक लेके आऊँगा। ओके, पहला मेरे क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, जो इंटरव्यूअर होते हैं उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। आप अगर एक साल दो साल का एक्सपीरियंस है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप आपको एक ड्राइंग दे देंगे। पहले जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रोन स्टेयर के सेक्शन एंड आस्क टू डिज़ाइन द स्टेयर। एक क्वेश्चन है, कह रहा कि आप एक स्टेयर की डिज़ाइन कीजिए, तो हमें क्या करना है, एक स्टेयर बनाना है, सेक्शन बनाने हैं स्टेयर के। यहाँ पर हमें टाई बीम दे शो करनी है, एक बीम यहाँ शो करनी है और फिर हमें स्टील इसमें प्रोवाइड करनी है। ये हमारा लैंडिंग हो गया, ये हमारा लैंडिंग है, ये बीम है, ये बीम है। स्टेयर हम प्रोवाइड कैसे करते हैं, ये हमारी मेन बार्स हो जाती है। हमें क्या करना है, सबसे मेन क्वेश्चन, मेन पॉइंट वो नोटिस करता है कि आपका जो टॉप बॉटम की जो स्टील होती है वो टॉप पे लेके जानी है और टॉप की जो स्टील है वो बॉटम पे लेके जानी है। अगर आपने ये सही किया है, अगर आपने टॉप की स्टील को बॉटम में और बॉटम की स्टील को टॉप में लेके गए हैं, तो वो आपको समझ जाता है कि आपको साइट की नॉलेज है। ओके, ये आपकी मेन बार होती है और ये जो हमारा डॉट डॉट है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। आपको स्टील भी शो कर देनी है। हमारा मेन बार है वो 12 mm जनरली यूज़ करते हैं और 150 mm सेंटर टू सेंटर पे, और डिस्ट्रीब्यूशन हम 10 mm भी यूज़ करते हैं 150 सेंटर टू सेंटर पे। दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा था, उन्होंने ड्रॉ करना था, कह रहा है ड्रॉन अ कॉलम इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड आस्क फॉर लैपिंग इन द कॉलम। आपका अगर कॉलम है और उसमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, वो कह रहा है कि आप लैपिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा एक स्लैब है, ये स्लैब है, इसमें हम लैप करेंगे। हमने स्टैगर्ड को भी, स्टैगर्ड करना भी है स्टील को, और यहाँ पे हम लैपिंग करते हैं। लैपिंग हमारा एक जगह पे हमारा लैप नहीं होना चाहिए। वो यही चीज़ कर देखता है कि अगर आपने एक ही जगह पे सारे पॉइंट को एक ही जगह पे लैप कर देते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रोवाइड अच्छे से नहीं हो पाती है और वो आपका दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, एक कंपनी थी उसने मुझसे पूछा कि ड्रॉन अ कॉलम इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड आस्क फॉर लैपिंग इन द कॉलम। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में आप लैपिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने इसको क्या किया था कि ये हमारा एक स्लैब है, तो हम स्टील को यहाँ पे स्टैगर्ड भी दिखाना है और ये हमारा ब्लू और ब्लैक जो कलर की है स्टील है, इसको हम लैपिंग देते हैं। वो देखना ये चाहता है कि लैपिंग आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक ही जगह पे हमें शो नहीं करनी है, लैपिंग हमें एक ऊपर नीचे हमें लैपिंग करनी है, जिससे वो समझ जाता है आपको साइड पे नॉलेज है। अगर आपने एक ही जगह पे लैपिंग दे देते हैं जिस पे हमें स्ट्रेंथ का रिडक्शन होता है, वो हम इसीलिए लैपिंग हमारे हमेशा एक एक साथ हम एक ही जगह पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, इफ़ यू अ स्लैब ऑफ 15 meter इंटू 30 meter एंड थिकनेस इज 24 cm, देन हाउ मच कॉन्क्रीट यू नीड टू ऑर्डर फ्रॉम रीड मैक्स कॉन्क्रीट प्लांट में। उसने तीसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि अगर आप मुझे एक एक साइज़ दे दी, ये आपकी साइज़ है स्लैब की, और इसमें हमें प्लांट से रेडीमिक्स कॉन्क्रीट कितनी हम मंगवाएं, कितनी ऑर्डर करें। तो हमें क्या किया, एक सिंपल सा मेथड था, सिंपल सी कैलकुलेशन है। कॉन्क्रीट है हमारी 15 × 30 meter × 0.24 cm को हमने मीटर में कहा, 108 m³ है। अब उसको क्या करना है कि हमें हमेशा कॉन्क्रीट 2 m³ हम एक्स्ट्रा मंगाते हैं क्योंकि वेस्टेज को भी लेके। तो सो आई विल ऑर्डर 110
110 मीटर क्यूब फ्रॉम द प्लांट से हम 110 मीटर क्यूब मंगाते हैं। ओके, वेस्टेज मतलब जैसे पाइप है, पंप है, उसमें हम वेस्टेज 2 क्यूबिक मीटर माल हम वेस्टेज लेके चलते हैं। फिर उसने क्वेश्चन पूछा, इफ़ यू आर सुपरवाइजिंग अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। फिर उसने क्वेश्चन पूछा, इफ़ यू आर सुपरवाइजिंग अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। उसने ये पूछा कि आपकी साइट पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, आपको क्या चीज़ देखना पड़ेगा, क्या चीज़ देखना पड़ता है, क्या चीज़ मैनेज करता है करना पड़ेगा। तो मैनेज पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, पहला सुपरवाइजिंग बिल्डिंग वर्क्स, पूरी बिल्डिंग की आपको सुपरवाइजिंग करनी है। दूसरा है अंडरटेकिंग सर्वेज, सेटिंग आउट टाइम, चेकिंग टेक्निकल डिज़ाइन एंड ड्रोन टूल्स, इंश्योर दैट यू आर फॉलोड। आपको जो टेक्निकल आपको ड्राइंग होती है उसको चेकिंग करना पड़ता है। फिर मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ, और जो मैनेज वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसके स्टाफ को मैनेज कैसे करना मैनेज करना पड़ता है। फिर इंश्योर प्रोजेक्ट पैकेज, जिस मेल्ट एग्रीड स्पेसिफिकेशन बजट एंड टाइम, और हमें जिस टाइम पे हमें प्रोजेक्ट का जो टाइम और बजट जितना हमारा है उसी में हमें पूरा मैनेज करना पड़ता है प्रोजेक्ट को। फिर उसका क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन उसने पूछा और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ये एक्चुअली मैं नया क्वेश्चन ही पूछता था, जिसको साइड पे जो गए हैं उनको पता होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm। व्हाट इज कल्किंग्स, कल्किंग क्या होता है। एक कल्किंग आप पाइप देखे होंगे, पाइप यहाँ पे जो जॉइंट होता है वाइट कलर का, उसी को हम सीलेंट बोलते हैं, उसको वही सीलेंट को ही हम है कल्किंग भी कहते हैं, वही होता है सीलिंग ऑफ जॉइंट। ओके, व्हाई यूज प्रोवाइड ट्रैपोजॉइडल फिटिंग वैल्यूम। अगर एक ट्रैपोजॉइडल फिटिंग दे दिया था उसने, प्रोवाइड कर दिया, कह रहा है इसमें हम वैल्यूम कितना होगा, तो हमें क्या करना है 400 mm to 400, और हमारा ट्रैपोजॉइडल जो फुटिंग होती है रेक्टेंगल जो सेक्शन है वो 2000 mm and 100 mm था। ओके, रेक्टेंगल सेक्शन हम लेंथ ब्रेथ हाइट हम कैलकुलेशन करते हैं, तो लेंथ ब्रेथ हाइट 2 meter into 1 meter into 0.200 इसकी हाइट है, हाइट कितनी है यहाँ पे हमें शो कर दिया है रेक्टेंगल सेक्शन की 200 mm, तो आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.200 meter। ओके, तो इसको हमने कैलकुलेशन किया 0.4 meter cube। अब ट्रैपोजॉइडल, अब तो हमने पहले रेक्टेंगल इस वाले सेक्शन को हमने कैलकुलेशन किया, अब हमें इस वाले सेक्शन का कैलकुलेशन करना जो ट्रैपोजॉइडल है। तो ट्रैपोजॉइडल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यूम का 1/3 a1+a2+a√a1a2 into height। ओके, तो हाइट हमारी कितनी है यहाँ पर ट्रैपोजॉइडल सेक्शन की, यहाँ पे 500। A1 क्या है, एरिया, हम निकाल लेते हैं 2 into 1 2 meter cube। ओके, अब A2 कितना है 0.0, मतलब हमारा A1 क्या है, ये पूरा 1 meter, ये पूरा 2 meter, तो 2 into 1, ये हमारा A1 सेक्शन है, ये हमारा A2 है। ओके, हम इसको निकाल लेते हैं, तो अब ये A2 क्या 0.04 into 4 0.16 meter स्क्वायर ये आ गया, ये एरिया निकाल लिया। अब इसमें हम पुटअप कर देते हैं, A1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए, A2 की यहाँ पुट कर दिए, और A1 A2 यहाँ पे, और हाइट हमारी 0.5 meter कहाँ से आ गई, यहाँ पर ये हमारी ट्रैपोजॉइडल की हाइट कितनी है 500 mm, तो यहाँ पे हमने रख दिया, कैलकुलेशन किया 0.453 meter, ये हमारा ट्रैपोजॉइडल सेक्शन का आ गया। अब हम दोनों को कैलकुलेशन करते हैं, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की वैल्यू और ट्रैपोजॉइडल की जो वैल्यू आया है उसको हम टोटल कर देते हैं, 0.8 meter cube हमारे कंक्रीट की इतनी एरिया की ज़रूरत पड़ती है। फिर व्हाट इज़ एग्रीगेट इन टेक्निकल टर्म्स, एग्रीगेट का टेक्निकल टर्म्स क्या होता है, उसका यूज़ मेनली क्या होता है। जो एग्रीगेट होती है सब आप लोग भी जानते होंगे, इसका मास्क होता है कि मास्क कंक्रीट बनाने में यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका टेक्निकल टर्म्स क्या है। इट इज़ यूज्ड टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन, इट इज़ रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन। ओके, वो कंप्रेसिव स्ट्रेन को रेजिस्ट करता है। व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग टाइम फॉर सीमेंट कंक्रीट, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। वैसे हमारा जो IS कोड कहता है कि 7 days तक हमें
7 डेज तक हमें क्यूरिंग करनी ही करनी है। लेकिन हमारा जो क्रिटिकल है अगर 5 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो हम 7 डेज, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अबव है तो 5 डेज हम टेम्परेचर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन जो IS कोड कहता है वो 7 डेज तक करनी ही करनी है। फिर 10वां क्वेश्चन था, व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर ड्यूरिंग पॉन्ड, ओके, ड्यूरिंग पॉन्ड क्यूरिंग का। अब हमारा जैसे आप ड्यूरिंग क्यूरिंग पॉन्ड क्या होता है, जो हमारी उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। जैसे स्लैब है, ये हमारा सिम जो मोरंग वगैरह से हम पॉन्ड बनाते हैं, बांध बनाते हैं, गांव वाले भी समझ ले बांध जो बनाते हैं उसमें जो ये पॉन्ड बनाते हैं, इसमें हमारा जो हाइट होगी ये वाटर की कितनी होनी चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल है, जिनको साइट पर नॉलेज है, जो गए हैं साइट पर वर्क किए हैं, उनको पता होता है कितनी होनी चाहिए, 30 to 50 mm के बीच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा, और डेली मेरी एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पे आती रहेगी। आई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। थैंक यू।